दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की पराकाष्ठा है। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के अंदर हार का भय है, क्योंकि जो भी सवाल कर रहा है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बस उसके घर ईडी भेज दो, गिरफ्तार कर लो। तो ये दिखाता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री के पास इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, पिछड़े, दलितों के लिए 10 साल में कोई भी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि सवाल ना हो। वो चुनाव को एक तरफा जीतने के लिए इस तरीके की कृत्य रच रहे हैं, कुकृत्य रच रहे हैं। देश देख रहा है, युवा देख रहा है, किसान देख रहा है कि जिस समय चुनाव के समय उनको अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, उस समय वो अपनी सारी ऊर्जा विपक्ष को दबाने में लगे हैं। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, मुख्य विपक्षी को डराने की कोशिश की जाती है, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले, विपक्ष की तरफ से जनता के सवाल रुकने वाले नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पर चुनाव में आना होगा। एक तरफा चुनाव हम नहीं होने देंगे, चाहे जितनी कोशिश करें। हम संवैधानिक संस्थाओं से अपील करते हैं कि कम से कम भाजपा के इस कुकृत्य को चुनाव के समय देखें कि चुनाव के समय भी, आचार संहिता लगने के बाद भी, वो किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। जनता ये देख रही है। भाजपा को 2014-24 में जनता सत्ता से बाहर करेगी।